Morning all, this is Himanshu taking online classes from Commerce Quest Coaching Center. In today's class, we will continue with the topic Budgets and Budgetary Control. In previous two videos, we discuss some of the concepts of budget, budgeting and budgetary control. Learn types of budget and make a list of questions which are important in 5 marks as well as 15 marks category, and practice some numericals of cash budget. In today's class, we will also practice some more numericals of cash budget, because cash budget is very important topic of your chapter budget and budgetary control. ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कैश बजट पे कुछ और क्वेश्चंस। आज हम क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। आप सबको साथ साथ में अपने नोट्स बनाने, जितना मैं यहाँ पे नोटबुक पे लिखता हूँ समझाते टाइम, आपने भी अपनी नोटबुक में उतने ही नोट्स बनाने हैं जितने मैं बना रहा हूँ। साथ में बुक और कैलकुलेटर भी आपको कैरी करना है। सेकेंड अप्रैल 2020 चैप्टर सेकेंड यूनिट 2 बजट एंड बजटरी कंट्रोल। टॉपिक कैश बजट, वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉस्टिंग पेपर फॉर 15 marks. Question number 15. देखो बच्चों question. A company expect to have 3750 cash in hand on 1st April 2018. Company के पास 1st April को beginning of the month में cash कितना है? 37500. This is opening balance of cash. And require you to prepare an estimate of cash position during the 3 months from April to June. बच्चों, आपने अप्रैल से लेके जून तक का बजट बनाना है, 3 महीनों का, अप्रैल मई जून 3 महीनों का बजट बनाना है। डेटा कौन सा गिवन है? सेल्स, परचेज, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। फेब मंथ का डेटा गिवन है, मार्च मंथ का डेटा गिवन है, अप्रैल का डेटा गिवन है, मई का डेटा गिवन है एंड जून का डेटा गिवन है। अब कंपनी की पॉलिसी क्या है? पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 2 मंथ। सप्लायर का मतलब मटेरियल। मटेरियल पे हमें कितना क्रेडिट मिलता है? 2 मंथ्स का, मतलब हम मटेरियल की पेमेंट को 2 मंथ डिले कर सकते हैं। फेब की पेमेंट हम 2 महीने बाद यानी कि
अप्रैल में पे कर सकते हैं। 20% ऑफ सेल्स आर फॉर कैश। आपको याद है पिछले क्वेश्चन में, पिछली वीडियो में हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें कैश सेल्स थे 10%, इसमें कैश सेल कितने हैं 20%। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर इज 1 मंथ, और बाकी के 80% कब पे करने हैं, आफ्टर 1 मंथ। हमने अपने कस्टमर को बोला है कि 20% आपको कैश अभी पे करना है और बाकी का बैलेंस 80% आप 1 मंथ के बाद भी पे कर सकते हो। डिले इन पेमेंट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस की पेमेंट में कितना डिले अलाउड है, 1 मंथ का। सारे एक्सपेंसेस का बच्चों मतलब, सारे एक्सपेंसेस का मतलब है वेजेस, फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। ये चारों एक्सपेंसेस आप कब पे करोगे, 1 मंथ के डिले के बाद। ये देखो 1 मंथ। इनकम टैक्स कब पे करना है, जून में। कंपनी को डिविडेंड कब पे करना है, अप्रैल में। कितना डिविडेंड पे करना है, 15,000 का डिविडेंड एंड 2,500 का बोनस। डिविडेंड भी पे करना है, बोनस भी पे करना है। कब पे करना है, अप्रैल में। और कंपनी ने प्लांट ऑर्डर किया था जो हमें कब आने की उम्मीद है, मई में प्लांट रिसीव हो जाएगा और उसकी पेमेंट अब कब करेंगे, मई में। इट विल कॉस्ट ₹1,20,000। कंपनी ने एक प्लांट ऑर्डर किया था, उस प्लांट का मतलब है बच्चों मशीन। कंपनी ने मशीन ऑर्डर की थी जो उसको रिसीव्ड होगी मई में और उसकी पेमेंट भी कब होगी, मई में। कितनी पेमेंट है, 1,20,000। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है फॉर्मेट बनाना, हेडिंग दो कैश बजट, फॉर 3 मंथ्स ब्रैकेट में लिख दो अप्रैल टू जून। अप्रैल से लेके जून तक का आपको कैश बजट बनाना है। स्टार्टिंग में लिखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ₹3,750। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश स्टार्टिंग में गिवन है ₹3,750। फर्स्ट अप्रैल 2018 को। फॉर्मेट आपको पता है ना बच्चों कैश बजट का, स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस, फिर कुछ रिसिप्ट आएंगी और फिर पेमेंट्स। ओपनिंग बैलेंस और रिसिप्ट में से आपको पेमेंट्स को लेस करना है और क्लोजिंग बैलेंस आपका आंसर होता है। ओपनिंग बैलेंस के बाद लिखो रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स में दो चीज़ें तो हर बार होती हैं, कैश सेल्स, सेकेंड कैश received from debtors, cash received from debtors, दोनों का बनना है working note। दोनों का बनना है working note। Next page पे हम working note बनाएंगे इनका।
कैश बजट का बच्चों फॉर्मेट पता है ना, आई होप आपने पिछली तीन वीडियोस देख ली हैं और आप अब कैश बजट प्रैक्टिस कर रहे हो। पिछली वीडियो में हमने कैश बजट की डिटेल डिस्कशन की थी, अभी मैं आपको एक समरी बताता हूँ। कैश बजट शुरू होता है ओपनिंग बैलेंस से, इसमें ऐड होने हैं रिसिप्ट्स और माइनस होनी है पेमेंट्स, और आंसर आना है क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश से शुरू करके क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश पे ये खत्म होना, ठीक है। ये ब्रीफ समरी है कैश बजट की। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्लस रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट इक्वल्स टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, ओपनिंग से शुरू करके क्लोजिंग पे खत्म होना, ठीक है बच्चों। अब हमें बनाना है वर्किंग नोट टू कैलकुलेट कैश सेल एज वेल एज कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। कैलकुलेशन ऑफ कैश सेल एंड कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। वर्किंग नोट, कितने मंथ का डेटा गिवन है, फेब से लेके जून तक। टोटल सेल्स, फेब की सेल लिखो 75,000, मार्च की सेल लिखो 84,000 गिवन है बुक में, अप्रैल की सेल लिखो 90,000, मई की सेल लिखो 120, जून की सेल लिखो बच्चों 1,35,000। एक लाइन छोड़ के लिखो कैश सेल्स, कैश सेल्स कितनी है 20%, 20% करो इनका, ये देखो लिखा हुआ बुक में 20% ऑफ सेल इज फॉर कैश 75,000 का 20% 15,000।80,000 का 20% 16,800 90,000 का 20% 18,000 120,000 का 20% 24,000 135,000 का 20% 27,000। ये बच्चों कैश सेल है 20% ऑफ टोटल सेल। इसको आप बॉक्स कर सकते हो। कैश सेल के बाद
क्रेडिट सेल, 20% कैश सेल है तो 80% क्रेडिट सेल, 75,000 का 80%, 60,000, 84,000 का 80%, 67,200, 90,000 का 80%, 72,000, 120 का 80%, 96,000, 135 का 80%, 1,08,000, 80% क्रेडिट सेल, 80%. अब क्रेडिट सेल को लेके कंपनी की पॉलिसी क्या है? क्रेडिट सेल का मतलब होता है उधार पे सामान बेचा है, पेमेंट थोड़ी लेट आएगी। कितनी लेट आएगी पेमेंट, ये कंपनी की पॉलिसी में लिखा हुआ है। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउ टू कस्टमर्स फॉर क्रेडिट सेल इज 1 month। कितना क्रेडिट का टाइम मिला है क्रेडिट सेल्स वालों को? 1 month का, मतलब 1 महीने बाद आपको पेमेंट आएगी। मतलब फेब की पेमेंट कब आनी है? मार्च में। मार्च की पेमेंट कब आनी है? अप्रैल में। अप्रैल की पेमेंट कब आनी है? मई में। और मई की पेमेंट कब आनी है? जून में। और जून की पेमेंट कब आनी है? जुलाई में। और जुलाई का हमने बजट बनाना नहीं है, जुलाई मंथ का बजट हमने बनाना नहीं है। हमने कितने मंथ का बजट बनाना है? अप्रैल, मई एंड जून। हमें 3 महीनों का बजट बनाने को ही बोला है क्वेश्चन ने, तो हमारे पास 3 मंथ का डेटा आ गया। अप्रैल में कौन सी पेमेंट आएगी? मार्च महीने वाली। मई में कौन सी पेमेंट आएगी? अप्रैल महीने वाली। और जून में कौन सी पेमेंट आनी है? मई वाली। ठीक है, 1 महीना लेट पेमेंट आती है। दोबारा से समझो बच्चों, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 मंथ का डेटा गिवन है। पांचों की टोटल सेल क्वेश्चन में गिवन है। 20% कैश है, बाकी क्रेडिट है, बाकी बचा 80%। 20% करके जो अमाउंट आया वो कैश सेल है, 80% करके जो आया वो क्रेडिट सेल है। अब कैश सेल तो इमीडिएट पैसे मिल गए, कैश सेल का मतलब होता है 20% इमीडिएट रिसीव हो गए पेमेंट हमें, है ना। 15,000, 16,800, 18,000, 24,000 और 27,000 इमीडिएटली रिसीव हो गए। क्रेडिट सेल का मतलब होता है उधार पे सामान बेचा है, पेमेंट थोड़ा लेट आएगी। पेमेंट कितना लेट आएगी वो क्वेश्चन में लिखा है, 1 month। क्रेडिट सेल की कस्टमर्स की पेमेंट कब आएगी? 1 month डिले के बाद। मतलब जो फेब की पेमेंट है वो कब होगी? मार्च में। फेब के जो 60,000 की सेल है उसकी पेमेंट कब रिसीव होगी? मार्च में। मार्च की सेल कब रिसीव होगी? अप्रैल में। अप्रैल की सेल के पैसे कब रिसीव होंगे? मई में। मई की सेल के पैसे कब रिसीव होंगे? जून में। और जून की सेल के पैसे कब रिसीव होंगे? जुलाई में। लेकिन जुलाई का तो हमने बजट बनाना नहीं है, तो हमारे लिए मैटर नहीं करता। ठीक है, 1 month लेट रिसीव होंगे तो ये हमारे। और बजट हमने बनाना है अप्रैल, मई और जून, 3 महीनों का। अप्रैल में कितने रिसीव हुए, मई में कितने रिसीव हुए और जून में कितने रिसीव हुए, ये हमारे लिए रेलेवेंट है। और साथ में कैश सेल, अप्रैल की कैश सेल, मई की कैश सेल एंड जून की कैश सेल। अप्रैल, मई, जून की कैश सेल, अप्रैल, मई, जून में क्रेडिट सेल के जो पेमेंट रिसीव हुई है वो तीनों, ये दोनों हमारे लिए रेलेवेंट है। अब इसको जाके हम फॉर्मेट में लिख देंगे। कैश सेल तो बड़ी आसान थी, 20% करते रहो बस। पर क्रेडिट सेल हमने
80% करके फाइंड की, फिर चेक किया कि कंपनी की पॉलिसी क्या है। कंपनी की पॉलिसी है एक मंथ देरी से पैसे मिलते हैं, तो फेब की पेमेंट कब रिसीव होगी? मार्च में। मार्च की सेल के पैसे कब मिलेंगे? अप्रैल में। अप्रैल की सेल के पैसे कब मिलेंगे? मई में। और मई की सेल के पैसे कब मिलेंगे? जून में। चलो अब फॉर्मेट में लिख दो इसको। कैश सेल कितनी है? 18,000, 24,000 एंड 27,000। और क्रेडिट सेल के पैसे कब आने हैं? अप्रैल में कितनी पेमेंट आनी है? मार्च वाली 67,200। मई में 72,000। जून में 96,000। ठीक है, यहां पे लिख लो कैश टू बी रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट सेल इज आफ्टर वन मंथ एज पर क्वेश्चन। एक महीना लेट पेमेंट आनी है आपको, ठीक है। मार्च में सामान बेचोगे, अप्रैल में पैसे मिलने हैं। अप्रैल में जितना उधार पे बेचोगे, क्रेडिट सेल करोगे, मई में पैसे मिलने हैं। मई में जितनी क्रेडिट सेल करोगे, जून में पैसे मिलने हैं। और हमारे लिए तीन मंथ ही रेलेवेंट है, अप्रैल, मई एंड जून। और 20% किसका किया था ये भी लिख लो, ये इस अमाउंट का एरो लगा लो। 20%, 20%, 20%, 20%, 80%, 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 20% कैश सेल 80% क्रेडिट 20% कैश 80% क्रेडिट 20% कैश 80% क्रेडिट 20% कैश 80% क्रेडिट 20% कैश 80% क्रेडिट और पेमेंट एक मंथ लेट रिसीव होने। एरो लगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है डिले इन पेमेंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस वन मंथ। सारे एक्सपेंसेस की पेमेंट एक मंथ लेट मिलनी है। सारे एक्सपेंसेस कौन से हैं? वेजेस, फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग। दो लाइनें छोड़ दो, फिर लिखो पेमेंट्स। पहला एक्सपेंस लिखो वेजेस, दूसरा लिखो फैक्ट्री एक्सपेंस, थर्ड वन इज ऑफिस एक्सपेंस, फोर्थ इज सेलिंग एक्सपेंस। वर्किंग नोट, चारों का वर्किंग नोट बनाते हैं।
wages. April, May, June. One month delay, 1 month delay, मतलब अप्रैल में हम किनको तनख्वाह देंगे, जो मार्च मंथ की वेजेस हैं, एक महीना लेट देनी है ना, प्रीवियस मंथ प्रीवियस मंथ बच्चों अप्रैल में आप कौन सी पेमेंट करोगे, मार्च की वेजेस की पेमेंट, ये लिखिए वेजेस, ठीक है, ये फेब की है, 1 2 3 तीसरे नंबर पे ये वेजेस है। अप्रैल में आप कौन सी पेमेंट करोगे, मार्च की, मार्च में कौन सी पेमेंट करोगे, मई में कौन सी पेमेंट करोगे, अप्रैल की, और जून में कौन सी पेमेंट करोगे, मई की। एक मंथ लेट पेमेंट होती है, मतलब अप्रैल में हम पिछले मंथ की पेमेंट करेंगे, अप्रैल में कौन सी पेमेंट करेंगे, मार्च की, 9750, और मई में किसकी पेमेंट करेंगे, अप्रैल की, 10 अप्रैल की, 10500। और जून में किसकी पेमेंट करेंगे, मई की, 13500। ये वेजेस का वर्किंग नोट। Nine seven five zero, 10500, 13500 wages. वेजेस के बाद बच्चों फैक्ट्री एक्सपेंस, सभी के बारे में एक ही कमेंट है, डिले इन पेमेंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस 1 month। तो सिमिलर वर्किंग नोट बना लो, वेजेस के बाद लिखो ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस नहीं फैक्ट्री है बोले, अप्रैल मई जून सेम 1 month डिले। अप्रैल में हम कौन से मंथ की पेमेंट करेंगे, प्रीवियस मंथ की, मई में कौन सी पेमेंट करेंगे, प्रीवियस मंथ की, जून में कौन सी पेमेंट करेंगे, प्रीवियस मंथ की, ये ऑफिस एक्सपेंसेस। अप्रैल में कौन सी पेमेंट करोगे, पिछले मंथ की, 8250 मार्च की। मई में कौन सी पेमेंट करोगे, पिछले मंथ की, 9000। जून में कौन सी पेमेंट करोगे, पिछले मंथ की, 11250।
तीनों लिख लो। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, वन मंथ डिले, वन मंथ डिले का मतलब पिछले मंथ की पेमेंट अब करोगे। जैसे अप्रैल में हम कौन से महीने की सैलरी पे करेंगे, मार्च मंथ की। मई में कौन से मंथ की सैलरी पे करेंगे, अप्रैल मंथ की। एक मंथ लेट पेमेंट होती है, पिछले मंथ की पेमेंट होगी इस मंथ में। पेमेंट ऑफ प्रीवियस मंथ, पेमेंट ऑफ प्रीवियस मंथ। पेमेंट ऑफ प्रीवियस मंथ। ये बच्चों फैक्ट्री था, फैक्ट्री फैक्ट्री हमने फैक्ट्री किया ना अभी। ये देखो फैक्ट्री एक्सपेंस था वो, वेजेस के बाद फैक्ट्री। अब ऑफिस, या मैंने गलती से ऑफिस लिख दिया। अब आने ऑफिस, ऑफिस की पेमेंट देखो। अप्रैल में हम कौन से मंथ की पेमेंट करेंगे, मार्च की, 6000। मई में हम कौन से मंथ की पेमेंट करेंगे, पिछले मंथ की, अप्रैल की, 6000। जून में हम कौन से मंथ की पेमेंट करेंगे, पिछले मंथ की, 6000। ऑफिस एक्सपेंसेस 6000 6000 6000। ऑफिस के बाद सेलिंग एक्सपेंसेस, आपको इतने डिटेल में वर्किंग नोट बनाने कंपलसरी नहीं है। पेपर में आप थोड़ा क्विक भी कर सकते हो, मुझे अभी आपको समझाना है इसीलिए मैं डिटेल में वर्किंग नोट बना रहा हूँ। अप्रैल, मई और जून सेम वन मंथ डिले। अप्रैल में हम किस मंथ की पेमेंट करेंगे, प्रीवियस मंथ की। मई में किस मंथ की पेमेंट करेंगे, प्रीवियस मंथ की। जून में किस मंथ की पेमेंट करेंगे,
प्रीवियस मंथ की। ये लास्ट में है सेलिंग, ठीक है, ये रहे सेलिंग। अप्रैल में हम किस मंथ की पेमेंट करेंगे, पिछले मंथ की 4500। मई में हम किस मंथ की पेमेंट करेंगे, पिछले मंथ की 5250। जून में हम किस मंथ की पेमेंट करेंगे, पिछले मंथ की 6570। वर्किंग नोट कंप्लीट, अब सम में लिख दो इसको, 4500, 5250, 6570। नेक्स्ट पॉइंट करने से पहले बच्चों, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा अभी पेंडिंग है, ये कर लो पहले। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 2 मंथ। सप्लायर मतलब मटेरियल, मटेरियल को कितना क्रेडिट मिला है 2 मंथ का। जैसे हमने अभी 1 मंथ डिले करा ना, तो अब यहाँ पे 2 मंथ डिले है मटेरियल। वर्किंग नोट, टू मंथ क्रेडिट मीन्स 2 मंथ डिले, 2 मंथ लेट पेमेंट। मतलब आप अप्रैल में कौन से मंथ की पेमेंट करोगे, पुराने 2 मंथ की पेमेंट। मतलब अप्रैल में हम पेमेंट करेंगे फेब की, और मई में किस मंथ की पेमेंट करेंगे, मार्च की, और जून में किस मंथ की पेमेंट करेंगे, अप्रैल की। लिखो पेमेंट ऑफ 2 मंथ पहले, मतलब पेमेंट ऑफ फेब। मई में कौन सी पेमेंट करोगे, 2 मंथ पुरानी, मतलब मार्च। जून में कौन सी पेमेंट करोगे, 2 मंथ पुरानी, मतलब अप्रैल। अप्रैल में कौन सी पेमेंट करोगे, 2 मंथ पुरानी पेमेंट, मतलब अप्रैल से पहले मार्च आते हैं, मार्च से पहले फेब की। मई में किस मंथ की पेमेंट करोगे, 2 मंथ पुरानी, मई से पहले आता है अप्रैल, अप्रैल से पहले मार्च। जून में कौन सी पेमेंट करोगे, 2 मंथ पुरानी, जून से पहले आता है मई से पहले आता है अप्रैल। मटेरियल को बच्चों यहाँ पे परचेज नाम से लिखा हुआ है, ये मटेरियल ही है। अप्रैल में कौन सी पेमेंट करनी है, फेब की पेमेंट ये रही 45,000। मई में कौन सी पेमेंट करोगे, मार्च की, ये रही 48,000। जून में कौन सी पेमेंट करोगे, अप्रैल की 52500। मटेरियल का वर्किंग नोट, फोर्टी एट थाउजेंड 52500, 45, 48, 52500। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इनकम टैक्स पे करना है 57500 का जून में,
जून में पेमेंट करना है। कौन से दिन पे किया है मैटर नहीं करता, मंथ मैटर करता है, जून में। 57500 फिफ्थ पॉइंट, कंपनी ने डिविडेंड पे करना है 15,000, बोनस पे करना है 2,500, कौन से मंथ में, अप्रैल में, डिविडेंड एंड बोनस। वर्कर्स को पे करना है। अप्रैल में पे करना है। लास्ट पॉइंट बच्चों, कंपनी ने प्लांट ऑर्डर किया, कब रिसीव होगा प्लांट और कब उसकी पेमेंट करनी है, मई में, एंड 1,20,000। यहाँ पे बच्चों को डाउट आता है कि सर यहाँ पे रिसीव लिखा है, बच्चों ध्यान से लैंग्वेज पढ़ो, रिसीव लिखा है प्लांट और फिर पेमेंट करेंगे। आई रीड अगेन, प्लांट हैज़ बीन ऑर्डर, हमने मशीन को ऑर्डर दिया, मशीन कब तक रिसीव होगी एंड कब तक उसकी पेमेंट करनी है, मई में, कितनी पेमेंट करनी है, 120, ठीक है। प्लांट हैज़ बीन ऑर्डर, एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड एंड पेड, प्लांट रिसीव होना है और पेमेंट हमने करनी है कितनी, 120, कॉस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, 120, कब पे करनी है, मई में। प्लांट परचेस्ड 120, हमें प्लांट रिसीव होगा और हमने पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट करनी है, 120। जैसे आप फोन ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, फोन आपको रिसीव होता है और आप पेमेंट करते हो, वो आपका खर्चा है ना, तो पेमेंट साइड पे। सम कंप्लीट हो चुका है, टोटल लगाओ अब। पहले फर्स्ट मंथ का टोटल लगाओ, अप्रैल का, थ्री सेवन फाइव डबल जीरो 18,000, 67200, 1,22,700। टोटल ब्रैकेट में लिखो ए। अब पेमेंट्स का टोटल लगाओ, नाइन सेवन फाइव जीरो 8,250, 6,000, 4,500, 45,000, 15,000, 2,500, 111,000। ए माइनस बी, क्लोजिंग बैलेंस ए माइनस बी, 1,22,700 माइनस 111,000, 11,700। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अप्रैल विल बिकम ओपनिंग बैलेंस ऑफ मई, 11,700। अब मई का टोटल लगाओ, 107,700। एक्सपेंसेस का टोटल लगाओ, 198,750। दोनों का डिफरेंस ए माइनस बी,
-91050, नेगेटिव एवरेज। नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस भी नेगेटिव। माइनस के 91050, टोटल लगाओ। माइनस का ये दोनों प्लस के हैं, टोटल आ रहा है 31950। इन दोनों को ऐड करके 27000 प्लस 96000 ये माइनस कर दो, 31950। अब एक्सपेंसेस का टोटल, जून का भी नेगेटिव आएगा, ए माइनस बी करो, 31950 माइनस 147320, माइनस है ब्रैकेट में लिखो 115370, 115370, ये तीनों आपके आंसर्स हैं। फर्स्ट पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है। ये देखो आंसर्स। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मींस नेगेटिव। मई में और जून में, मई में कितना नेगेटिव है 91050, मई में कितना नेगेटिव है 91050, मई में इतना नेगेटिव है, और जून में कितना नेगेटिव है 115370, 115370। ठीक है बच्चों, समझ आया, कंप्लीट करो नोट्स। सम कंप्लीट होने के बाद पिछली क्लास में ना मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है। एक दो बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया है और उन्होंने नोट भी किया है, अच्छी बात है। देखो पिछली क्लास में मैंने यहाँ पे बोला 7390 था, लेकिन मेरे से लिख 7930 हो गया, तो यहाँ पे 7390 आना है। कैलकुलेशन सारी सही है, कैलकुलेटर पे भी यही आया था, पर लिख गलत हो गया, 7390। ठीक है, देखो बिना चेंजेस के मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ एक बार टोटल। यहाँ पे 7930 लिख हो गया था, कैलकुलेटर पे 7390 ही आया था, तो यहाँ पे 7390 कर लो। हमने कैलकुलेटर पे 7390 ही लिखा था, आप चेक कर सकते हो। 7390 प्लस 2500 प्लस 19800, 29690, टैली है ना। यहाँ लिखना 7390 था, बोला भी 7390 था, कैलकुलेटर पे भी 7390 लिखा था, यहाँ पे गलती से लिख हो गया था, राइमिंग हो गई थी, 7930 लिख हो गया। और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, ए टोटल कितना था 28750 माइनस बी टोटल कितना था 21360, यहाँ पे आना है 7390। ठीक है बच्चों, यही क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बन जाएगा, और ओपनिंग का टोटल आ रहा है 29690। तो सम बिल्कुल सही है, कैलकुलेटर पे भी सही था, बोला भी सही था, लिखने में गड़बड़ हो गई थी, 7390 कर लो यहाँ पे। ठीक है, जिन बच्चों ने नोटिस किया वेरी गुड, बाकी सब बच्चे करेक्शन कर लो। टोटल सारे सही हैं, आंसर सारे सही हैं, कैलकुलेटर पे 7390 ही लिखा था, बोला भी 7390 ही था, लिखने में राइमिंग की वजह से उल्टा लिखो। ये आपका 15 सम। नेक्स्ट क्लास में हम 16 सम करेंगे, और फिर हमारा कैश बजट का टॉपिक कंप्लीट, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्लेक्सिबल बजट, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर।
Thank you. Thank you so much.